17/9/2018 को गांधीनगर पब्लिक स्कूल की ओर से वेल ड्रेस अप एंड मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों को सुरुचिपूर्ण ढंग से स्वच्छ एवं स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना है। इस अवसर पर प्रत्येक कक्षा से 2 छात्र छात्राओं को चयन किया गया है। चयन करते समय छात्र छात्राओं की यूनिफॉर्म के साथ साथ व्यवहार व शैक्षिक स्तर को तथा अन्य विशेषताओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसी श्रृंखला में सफाई कर्मचारी महेंद्र सिंह नरेश कुमार को भी बेहतर सफाई व्यवस्था के लिए 500 रुपए नगद पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों के माता पिता को भी आमंत्रित किया गया। विद्यालय प्रबंधक रवि कुमार सिंगल ने छात्र छात्राओं तथा उनके माता पिताओं की सराहना की। 100% उपस्थिति के लिए विद्यालय के 28 विद्यार्थियों को 500 रुपए का पुरस्कार देकर उनका हौसला बढ़ाया। चयनित छात्र छात्राओं को पुरस्कार दिए गए तथा माता पिता को बधाई देते हुए भविष्य में इसी प्रकार सहयोग व कार्य करते रहने के लिए प्रेरित किया गया। अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्य शशि शर्मा ने माता पिता के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। विद्यालय प्रबंधक रवि कुमार सिंगल ने अपनी घोषणा की, इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन भविष्य में प्रतिमा किया जाएगा ताकि छात्र छात्राओं के स्तर उच्च होने के साथ शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार आए। कार्यक्रम का संचालन चीफ वार्डन नीलम अग्रवाल ने किया था। उनकी सहभागिता निभाई संगीता टंडन ने। आंचल गर्ग, संगीता पुरी, शोभा पूठिया, रेणु रस्तोगी, विशाल गर्ग, नीलम सक्सेना, विम्मी कॉल, विभोर भटनागर, विष्णु तथा निकुंज बंसल का विशेष सहयोग रहा। क्या कार्यक्रम आज वेल ड्रेस प्रोग्राम है। जो बच्चे पूरे महीने ढंग से ड्रेस पहनकर आए हैं, वेल ड्रेस्ड, अच्छे से बाल कड़े हैं, नीट एंड क्लीन हैं, उनको आज अवार्ड दिया जा रहा है। क्या मकसद रहता है सर ऐसे? इसका मकसद ये है दूसरे बच्चे भी इससे शिक्षा लें और वो भी इन बच्चों को देखकर अच्छी तरह से तैयार होकर आएँ, वेल ड्रेस्ड होकर आएँ, ड्रेस उनके कपड़े प्रेस से होने चाहिए, ये दूसरे बच्चे भी उनसे शिक्षा। हाँ, मतलब हर महीने किया जाता है या प्रोग्राम हर महीने किया जाता है। बाय द वे किसी महीने में कोई और प्रोग्राम्स होते हैं तो 2 महीने का एक साथ किया जाता है। आज ये प्रोग्राम जुलाई और अगस्त का किया जाता है। लगभग कितने बच्चों को सम्मानित किया? 106 बच्चे एक महीने में सम्मानित किए जाते हैं। आगे भी ये कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल, आगे भी कार्यक्रम जारी रहेगा और इस कार्यक्रम को आगे और अच्छी तरीके से हमारे करने को। जो कुछ बच्चे रह जाते हैं जो इसमें नहीं सम्मानित हो पाते उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अव्वल तो सभी बच्चे, कभी कोई क्लास में सभी बच्चे इसका इनाम ले लेते हैं और जो बच्चे अगर नहीं रह पाते हैं तो उनके लिए टीचर्स उनको मोटिवेट करती हैं कि देखो ये बच्चे इन्होंने इनाम लिया है, आप इस तरीके से तैयार हो, फिर अगली बार वो बच्चे के लिए। क्या आप क्या कहना चाहेंगे उन सभी बच्चों के लिए? मैं सब बच्चों के लिए कहना चाहूँगा कि सब बच्चे इनाम लेने के लिए ही नहीं अभी तो स्वयं अच्छा दिखने के लिए भी अच्छी तरह से ड्रेस पहनकर। थैंक यू सर।